हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्साइटेड में। दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है देख सकते हो। दोस्तों, इस बल्ब को आप अपने घर में जरूर देखा ही होगा। तो सिंपली मैं इस बल्ब को जो है इस डब्बे से बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। दोस्तों, इस बल्ब को आप अपने घर में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। दोस्तों, हालांकि इन सब बल्ब का आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बल्ब जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। इसलिए दोस्तों, आजकल लोग जो है अपने घरों में CFL या LED वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी दोस्तों, पहले जो है इन बल्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था घरों में। बाय द वे फ्रेंड्स, आज जो है मैं इस बल्ब के साथ बहुत ही तगड़ा वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं इस बल्ब के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइडिया बहुत सिंपल सा है। दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस डब्बे के अंदर जो है यहाँ तक पानी भर दूंगा। उसके बाद इस बल्ब को जो है होल्डर के साथ कनेक्ट करके इस पानी के अंदर जो है डाल दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा ना, करंट जो है फ्लो करके इस बल्ब को पानी के अंदर ही जलाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों, मुझे देखना ये है क्या ये वाकई में ये बल्ब पानी के अंदर जल पाएगा या फिर नहीं जल पाएगा। क्या पानी के अंदर ये बल्ब जो है ब्लास्ट कर जाएगा या फिर सर्वाइव कर जाएगा, वो मुझे देखना है। सो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ये बल्ब पानी के अंदर वाकई में जल पाता है या फिर नहीं जल पाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप प्लीज़ इन सबको अपने घर में ट्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक के साथ खिलवाड़ करना जो है बहुत डेंजरस होता है। इसलिए दोस्तों, आप प्लीज़ इन सबको अपने घर में ट्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से एक्सपेरिमेंट को जो है करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस जार के अंदर जो है पानी भर दिए और सिंपली इस बल्ब को जो है होल्डर के साथ कनेक्ट भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इस बल्ब को ऐसे ही पानी में डुबाने लग जाऊंगा तो दोस्तों ये बल्ब जो है पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि दोस्तों ये बल्ब में जो है वैक्यूम किया हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे ही डुबाने लग जाऊंगा तो दोस्तों ये बल्ब जो है पानी में नहीं डूबेगा, पानी में तैरने लगेगा। तो सिंपली दोस्तों, मैं क्या करूंगा ना, इस पत्थर को इस बल्ब के साथ जो है टेप कर दूंगा, जिसकी मदद से ये बल्ब जो है आसानी से पानी में डूब जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस पत्थर को जो है इस बल्ब के साथ टेप करते हैं। फाइनली गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस बल्ब को जो है पत्थर के साथ टेप कर दिया है। तो सिंपली दोस्तों, चलिए इस बल्ब को जो है पानी के अंदर जो है डुबाते हैं। तो चलिए इस बल्ब को जो है पानी के अंदर डुबा देते हैं। फाइनली गाइज, मैंने इस बल्ब को जो है पानी के अंदर डुबा दिया है। तो सिंपली दोस्तों, चलिए मैं इस बल्ब में करंट फ्लो करके इस बल्ब को जो है जलाता हूँ। ऑलराइट गाइज, 3 2 1 ओ तेरी। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो ये बल्ब जो है पानी के अंदर भी आसानी से जल पा रहा है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये बल्ब पानी के अंदर कैसे जला है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये बल्ब जो है पानी के अंदर जल रहा है। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा तो ये बल्ब जो है पानी के अंदर फ्यूज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो ये बल्ब जो है पानी के अंदर जल रहा है। और दोस्तों, मुझे तो ऐसा भी लगा था कि ये बल्ब जो है पानी के अंदर ब्लास्ट कर जाएगा या फिर इस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है शॉर्ट होकर हमारा MCB जो है ट्रिप हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो इस वाटर के अंदर ये बल्ब जो है आसानी से जल पा रहा है। और दोस्तों, आप इसका लुक भी देख सकते हो। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लुक जो है आ रहा है इस जार का। दोस्तों, पता नहीं कि इस पानी के अंदर ये बल्ब जो है कैसे जल रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे ये पता है कि अगर 100% प्योर वाटर हो, डीआयनाइज्ड वाटर हो, तो दोस्तों उसके अंदर बल्ब जो है आसानी से जल पाएगा, क्योंकि दोस्तों उस वाटर के अंदर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती जो फ्रीली मूव कर सके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वाटर के अंदर जो है कंडक्ट हो सके। इसलिए दोस्तों, उस आयनाइज्ड वाटर में बल्ब जो है आसानी से जल पाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो नॉर्मल वाटर है, फिर भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाटर के अंदर ये बल्ब जो है बहुत ही आसानी से जल पा रहा है। और दोस्तों, ये बल्ब जो है अभी तक जल रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो इस जार का लुक भी जो है बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। तो गाइज, मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि इस जार का लुक कैसे आता है। ओ तेरी। तो गाइज, आप देख सकते हो लाइट ऑफ करने के बाद दोस्तों इस जार का लुक जो है और भी बेहतरीन हो जाता है। गाइज, देख सकते हो कितना अमेजिंग दिख रहा है। तो फाइनली गाइज, अभी हम लाइट को जो है ऑन करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो गाइज आपने देखा कि लाइट ऑफ करने के बाद इसका लुक जो है और भी अमेजिंग हो जाता है। तो गाइज, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता है कि ये बल्ब इस वाटर के अंदर कैसे जल पा रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे एक बात पता है कि इस जार के अंदर जितने भी वाटर है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। इसलिए दोस्तों, इस जार को जो है मैं टच भी नहीं करूंगा।
और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आप प्लीज इन सबको अपने घर में ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम खेल रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। इसलिए दोस्तों मैं कर रहा हूँ, आप देखिए, आप इन सबको अपने घर में ट्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।